हेलो स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसेट्स। सो कुछ रिजल्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे। जो सो यहाँ पे पहला जो हमारा रिजल्ट है, पहला रिजल्ट है वो कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो है वो हमारा होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सो ये पहला रिजल्ट है, बहुत ही काम का रिजल्ट है। ये प्रोबेबिलिटी में भी सेम रिजल्ट काम आएगा हम लोगों को, प्रोबेबिलिटी में भी सेम रिजल्ट काम आएगा। रिजल्ट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। पहले मैं बता रहा हूँ ये रिजल्ट आया कहाँ से, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो देखो यहाँ पर बेटा, मान लो हमारा ये वेन डायग्राम है, ठीक है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। सो ये हमारा ए सेट था और बी सेट था। अब अगर मैं नंबर ए के एलिमेंट्स काउंट करूं, सो मेरे को ए यूनियन बी में एलिमेंट्स देखने हैं। सो सपोज करो कि मैंने ए के एलिमेंट्स काउंट कर लिए, ए के एलिमेंट्स काउंट कर लिए, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिख लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी की बात हो रही है, और फिर मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी ऐड कर दिए, जितने बी में एलिमेंट्स हैं, सपोज करो ये सारे बी में एलिमेंट्स हैं, ये ऐड कर दिए। तो इसमें पूरा में देखोगे आप लोग कि ये जो बीच वाला जो कॉमन पार्ट था ये दो बार काउंट हो गया, ये दो बार काउंट हो गया। सो इसीलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो दो बार काउंट हुआ है वो एक बार उसकी काउंटिंग हटानी पड़ेगी। सो जो ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स हैं वो एक बार सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं इसी पे हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं, अगर अब आप बोलोगे सर जरूरी थोड़ी ना है कि कॉमन पार्ट आए आए, सेट्स ऐसे भी हो सकते हैं और भी, तो उसी के बारे में बोल रहा हूँ मैं। सो व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, जब हमारे ए और बी डिसजॉइंट सेट्स होंगे, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। क्यों, क्योंकि डिसजॉइंट कौन से थे, डिसजॉइंट वो थे जिनमें ए इंटरसेक्शन बी फाई आ जाए, ए इंटरसेक्शन बी जिनमें फाई आ जाए। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जब कॉमन कुछ भी नहीं है। सो तब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी ऐड करूंगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी बन जाएगा। जो सेकंड हमारा रिजल्ट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली इन ए। मान लो हमारे पास ए और बी दो सेट है, ठीक है, और हम लोग डिस्कस करें ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है। अब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली इन ए फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मीन्स सिर्फ ये इतना। सो ये किसके इक्वल होगा, ये इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी। सो हम लोग क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी। तो ये कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो आप समझ गए हो कि ए से हम लोग कौन सा पार्ट हटा देंगे जो ए और बी का कॉमन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली इन ए, सिर्फ ए के एलिमेंट्स ऐसे निकालेंगे हम लोग। अभी इस बात को हम लोग एक चीज ये भी समझ सकते हैं, दैट इज एक थिंग ये भी आपको दिमाग में रखनी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी प्लस अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को ऐड कर दूं, अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऐड कर दूं, तो किसके इक्वल आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के इक्वल आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
जो थर्ड पार्ट है, हाँ वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू पूरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एग्जैक्टली वन सेट में बिलोंग करे ए और बी में से, ठीक है। तो ये क्या होगा, कैसे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सिमेट्रिक डिफरेंस पी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो हमारा है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, उसी का मतलब ये है कि एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी में लाई करता है। जैसे ये ए था ये बी था, तो मैं क्या चाहता हूँ कि सिर्फ एक, मतलब वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो एक सेट, सिर्फ एक सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तो या तो ये वाले हैं या फिर ये वाले हैं। तो ये कौन सा रीजन है, ये ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी वाला रीजन है, ठीक है। सो ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसका मतलब यही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ सेट्स ए और बी, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये हमें पहले ही पता है, ऐसा लोग सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन है ये तो हमारी। सो अब इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, ठीक है। अभी यूनियन वाली प्रॉपर्टी की थी, इसी प्रॉपर्टी से लिखा हमने। देखो ये सेट मान लो सी है और ये डी है, तो पहली बात तो क्या है कि सी और डी दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट होंगे। सो अगर मान लो दो सेट्स हैं डिसजॉइंट सी यूनियन डी, तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन डी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी, ये हो जाएगा, ठीक है। सो उसी बेसिस पे हमने ये लिख दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। अब देखो अभी अभी हम पढ़ क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी को कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस, और इसको कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सो फाइनली क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस टू टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस टू टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सो ये हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, जो फोर्थ रिजल्ट है ये काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी काम आने वाला है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट भी बहुत काम आएगा, फर्स्ट सबसे ज़्यादा काम आएगा, फिर फोर्थ भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, ये भी काम आएंगे पर थोड़े कम काम आएंगे। सो जो फोर्थ रिजल्ट है वो हमारा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। मान लो हमारे पास तीन सेट्स हैं और हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी काउंट करना है। सो इसके लिए हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हो जाएगा। सो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्लस जो तीनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं वो मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो ये कैसे हुआ, ये किस तरीके से आया, देखो वो तो हम लोग सब चीज़ समझ गए कि कैसे आया, इसको थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा समझना कि मतलब कैसे आ रही, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेट्स बढ़ गए हैं, तीन तीन सेट्स आ गए हैं। तो आप जब ध्यान से समझोगे तो इस चीज़ को ढंग से समझ जाओगे, तो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा ध्यान से। तो यहाँ पे ये समझो ये ए सेट है, यहाँ पे ये मेरा बी सेट है और ये है सी सेट। अब हमें टोटल
एलिमेंट्स काउंट करने हैं, ठीक है। सो मेरे को ए यूनियन बी यूनियन सी में जितने सारे एलिमेंट्स आए वो काउंट करने हैं। बेसिकली इधर बना के दिखाऊं, ये ए था, ये बी था और ये सी था, तो इनका यूनियन ये पूरा 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 जितना आ जाएगा, इसमें जितने जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे काउंट करने हैं मेरे को। यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा से। अब मैंने क्या किया, ए के एलिमेंट्स ऐड कर दिए मैंने, बी के एलिमेंट्स ऐड कर दिए और सी के एलिमेंट्स ऐड कर दिए। तो आप एक बात देख पा रहे हो कि ये जो ये एलिमेंट यहाँ पर है या यहाँ पर है वो दो बार ऐड हो गया। ये यहाँ वाले एलिमेंट दो बार ऐड हो गए। दो बार कैसे ऐड हो गए, एक बार ए में भी आ गए, ए में भी काउंट हो गए एलिमेंट, और ये एलिमेंट बी में भी हमारा काउंट हो गया, दोनों जगह काउंट हो गया। सो अब अच्छा ठीक है, इसको हटाएंगे, इन वालों को हटाएंगे, ओके ये एलिमेंट भी सेम वे में बी और सी दोनों में काउंट हो गया। सो उसी तरीके से ये जो यहाँ पर एलिमेंट है वो बी सेट में भी काउंट हुआ है और सेट सी में भी काउंट है, तो दो बार काउंट हो गए। और जो यहाँ पर जो एलिमेंट है ये सेम तरीके से ए और सी दोनों में काउंट हो गया। तो हमने क्या सोचा कि भाई हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी तो जोड़ दिए। अच्छा ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये तीनों का कॉमन पार्ट है, ये कितनी बार ऐड हुआ है, तीन बार ऐड हुआ है, तीन बार ऐड हुआ है, एक बार ए के साथ, एक बार बी के साथ, एक बार सी के साथ। हमने सोचा ये वाला पार्ट हटाते हैं, तो ये वाला पार्ट हमने कोई बिल्कुल स्पेसिफिक तो पता नहीं है, तो हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स हटा दिए। अब ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स हटा दिए तो ये पार्ट दो बार, ये वाला तो दो बार काउंट हुआ था, ये वाला पार्ट तीन बार काउंट हुआ था, तो एक बार ये हट चुका है। सो ये वाला पार्ट सिर्फ एक बार बचा है, ये वाला पार्ट दो बार बचा हुआ है हमारे पास अवेलेबल जो है। फिर हमने क्या किया, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी हटाए। तो जैसे बी इंटरसेक्शन सी हटाए, ये दो बार काउंट हुआ था, ये एक बार ही बचा हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये तीन बार काउंट हुआ था ये वाला पार्ट, पर अब इसके साथ हटाया तो सिर्फ एक बार ही बचा है, ठीक है। फाइनली मैंने जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी हटाए, जब मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी हटाए, सो ये दो बार काउंट हुआ था, एक बार ही बचा है, और ये तीन बार काउंट हुआ था, तीनों बार हट गया। कोई भी पर्सन, हमने तीन बार काउंट किए थे, तीनों बार ही सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो वो तो फिर काउंट ही नहीं हुए। कोई भी चीज अगर मैं तीन बार ऐड कर रहा हूँ, तीनों बार सब्ट्रैक्ट कर दी, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। सो इसीलिए उनको काउंट करने के लिए लास्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐड करना पड़ा। सो ये इसीलिए मैंने पूरा ढंग से लॉजिक से समझाया, मैंने बताया कि कैसे आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जो नेक्स्ट जो रिजल्ट है, हाँ वो रिजल्ट है हमारा, नेक्स्ट जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमारा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू सेट्स ए बी सी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एग्जैक्टली दो बार आए ए बी सी सेट्स में से, ठीक है। सो यहां पर देखो कैसे लिखेंगे इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए माइनस थ्री टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो क्या किया, देखो मैं अभी समझाता हूँ आपको, ढंग से बताता हूँ, पूरा सेट बना के बताता हूँ। ये सेट ए था हमारा, ये बी था, ये सी था, ये तीन सेट्स हमारे। सो यहाँ पे क्या है कि एग्जैक्टली दो बार जो काउंट हुए, सो यहाँ पर जो एलिमेंट्स दो बार काउंट हुए हैं वो लिखने हैं। तो ए और बी में कौन से काउंट हुए, ये दो बार काउंट हुए, ये ए इंटरसेक्शन बी वाला दो बार काउंट हुआ। एक्चुअली एग्जैक्टली टू टाइम्स तो ये पार्ट काउंट हुआ है, ये काउंट हुआ है और ये काउंट हुआ है, एग्जैक्टली टू टाइम्स तो यही काउंट हुए हैं, ठीक है। सो हमने क्या किया कि हमने क्या कर लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी वाले ऐड कर लिए, तो ये पूरा ऐड हो गया।
जो पार्ट ये नहीं चाहिए थे ये भी ऐड हो गए, चलो कोई बात नहीं। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी ऐड किए, सो बी और सी में भी कॉमन वालों में तो कॉमन चाहिए था, वो तो ऐड हो गई, और ये अनवांटेड पार्ट भी ऐड हो गया, प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए के और ऐड कर लिए। सो इसमें भी जो तीनों में कॉमन वाला पार्ट था ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो तीनों में कॉमन वाला पार्ट 3 बार ऐड हो गया। सो हम लोग 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हटा देंगे। सो रिजल्ट आ गया कि अगर मान लो दो सेट्स में, 3 सेट है हमारे पास ए बी सी, और मेरे को निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली जो दो में हो, सो उसके लिए ये हो जाएगा। हाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर देखो लास्ट में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ सेट, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ सेट्स ए बी सी, सो वो कौन से, वो कितने एलिमेंट्स हैं, या वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए बी सी में एग्जैक्टली वन टाइम आए हैं। ठीक है, अभी हमने देखा कि कुछ एलिमेंट्स ए और बी में दोनों में आ जाते हैं, कुछ तीनों में आ जाते हैं, तो हमें सिर्फ एक बार आने वाले एलिमेंट्स के बारे में पता करना है कितने एलिमेंट्स हैं, वो उनका नंबर फाइंड आउट करना है। जैसे ए बी सी ये 3 सेट है, ए ये सेट है, बी ए सी ए हमारा, सो एग्जैक्टली वन टाइम ये आए सारे एलिमेंट्स, या फिर ये एलिमेंट्स आए, या फिर ये एलिमेंट्स आए, सो ये बताना है एग्जैक्टली वन टाइम कौन कौन से आए हैं। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। ठीक है, अब जो नहीं चाहिए ये पार्ट हटाना पड़ेगा। सो ये पार्ट 2 बार काउंट हुआ है ए और बी में, सो माइनस 2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी, सेम वे माइनस 2 टाइम्स बी इंटरसेक्शन सी, और माइनस 2 टाइम्स सी इंटरसेक्शन ए। अब ये जो पार्ट है हमारा, ये 3 बार काउंट हुआ था, 3 बार काउंट हुआ था ए बी सी में, और ये 6 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, सो 3 टाइम्स एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट हो गया, तो उसके लिए प्लस 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इन ये सब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो ये हो गया। तो जितने भी ये पार्ट मैंने करवाए, तो मैंने आपको बताया है कि कैसे आ रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा से ध्यान से समझोगे तो आपको लॉजिक आ जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, लास्ट में कुछ रिजल्ट्स, एक दो रिजल्ट्स और बता रहा हूँ। सो नेक्स्ट हमारा रिजल्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये प्रॉपर्टी आपको याद आ रही होगी, कौन सी प्रॉपर्टी, डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टी, तो प्रोबेबिलिटी में भी इसका थोड़ा यूज होगा जो लास्ट चैप्टर है हमारे 11th का। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टी लगा दी। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो इस तरीके से लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी और पूरे का कॉम्प्लीमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट, और जो कि ये इक्वल होगा हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, इसके इक्वल हो जाएगा। सो ये हमारा यहाँ तक प्रॉपर्टीज हमारी खत्म हुई, या जो भी रिजल्ट हम लोग कर रहे थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स पे, ये रिजल्ट हमारे खत्म हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे कुछ, तो उससे पहले आपके लिए ये एडवाइस है मेरी कि आप लोग ये रिजल्ट समझ लो और इनको थोड़ा याद कर लो, याद भी होने चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इस पे। थैंक यू।